रायगढ़ जिले की कोतर रोड पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल व कार चोरी में सक्रिय आरोपी को पकड़ा गया है, जो रायगढ़ के साथ सीमावर्ती जांजगीर चांपा में भी चोरियों को अंजाम दे रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद गांजा तस्करी में सक्रिय तीन और आरोपी को पकड़ा गया। चारों मिलकर गांजा तस्करी के लिए भगवानपुर कोतरा रोड से कार की चोरी कर ओडिशा ले गए थे। सूरजपुर जिले की रामानुज नगर पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम जगन्नाथपुर में घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सहित रसाल एवं ईश्वर बंजारा निवासी भटपारा सूरजपुर को पकड़कर उनके कब्जे से 2 किलो मादक पदार्थ गांजा कीमत लगभग 20,000 रुपए को जब्त किया है। मामले में गांजा एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। एशिया के सबसे बड़े कोल माइंस कोरबा के दीपका गेवरा माइंस में संगठित रूप से कोयला चोरी का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो को पूर्व आईएएस और भाजपा नेता ओपी चौधरी ने भी ट्वीट किया। कोयला चोरी के इस वायरल वीडियो सामने आने के बाद बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी ने कोयला चोरी की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की टीम को जिम्मेदारी दी है और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला अपने पति के साथ अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। इसी बीच तेज रफ्तार हाईवे ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति को भी चोटें आई हैं। बलौदाबाजार जिले की पल्लारी थाना क्षेत्र के गाँव सकरी में एक 22 वर्षीय युवक की लाश कुएं में मिली। युवक की लाश रस्सी से पत्थर में बंधी हुई थी। मृतक युवक बीते 2 दिनों से लापता था। युवक का नाम रवि यादव बताया जा रहा है। सीआईएसएफ की आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा गुरुवार को दुर्ग पुलिस के द्वारा किया गया। गिरोह के सरगना से 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरक्षक जीडी परीक्षा में आवेदक के स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा देते थे। भर्ती के विभिन्न पायदानों में अलग अलग लोगों को खड़ा करके धोखाधड़ी करते थे। कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को नियमितीकरण व भत्ता वृद्धि करवाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी अभिनव पी द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया है। कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के ग्राम सिन्हा में शराब के नशे में धुत एक स्कॉर्पियो वाहन चालक ने घर के बाहर आंगन में बैठे दंपत्ति को अपनी चपेट में ले लिया। इससे पति लखन चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी संगीता गंभीर रूप से घायल है और वाहन चालक भी घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तिल्दा नेवरा वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर खरोरा से छड़िया मार्ग के पास एक ट्रैक्टर ट्राली को रोका, जिसमें अवैध रूप से मिश्रित लकड़ी का लट्ठा बिना परिवहन अनुज्ञा पत्रक के परिवहन किया जा रहा था, जिसका मौका स्थल पर जब्तीनामा और पंचनामा बनाकर उक्त वाहन को काष्ठगार खरोरा लाया गया। पेट्रोल पंप में लूट की तैयारी के साथ रायगढ़ से बाइक पर खरसिया पहुंचे 2 आरोपी को रात्रि गश्त के दौरान खरसिया थाना प्रभारी व उनकी टीम ने पकड़ने का प्रयास किया, तो टीम पर फायर कर फरार हो रहे आरोपी विनय सिंह व अमित यादव को पकड़कर उनके पास से हथियार बाइक व मोबाइल जब्त किया गया है। कोरबा कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध उत्खनन परिवहन करने वालों पर खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खनिज अमला द्वारा रात्रि गश्त के दौरान कोयले के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 4 ट्रक और 2 पिकअप वाहन को जब्त करने की कार्रवाई की गई। कोरबा में बालको थाना क्षेत्र में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। यहां एक नाबालिग हल्दी कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वो किसी लड़की को हल्दी लगाना चाहता था, मगर लड़की ने इनकार कर दिया। इसके बाद विवाद हो गया और लड़का वहां से चला गया। घटना के कुछ समय बाद उसकी फांसी पर लटकी हुई लाश मिली है। शराब के लिए लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा है। गुरुवार को नगर में आरोपियों का जुलूस निकालकर न्यायालय में पेश किया गया। लगातार 3 दिन की मशक्कत के बाद एसडीओपी दिनेश सिन्हा की अगुवाई में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी।
राजनांदगांव नेशनल हाईवे में शहर से लगे ग्राम इंदामारा के पास तेज रफ्तार एक अज्ञात मालवाहक ने साइकिल सवार मजदूर को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में किरगी में रहने वाले परमेश्वर की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य मजदूर घायल हो गए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो दिन पूर्व मुंगेली जिले में लोरमी थाना के बुधवारा के पास अगरिया बांध में एक युवक की अजली लाश मिली थी। लोरमी पुलिस 48 घंटे में युवक की पहचान के साथ दो आरोपियों को भानु प्रताप कुलमित्र व हीरालाल कश्यप को पकड़ने में कामयाब रही। हत्या का मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। बालोद जिले में दलीराजरा स्थित चिखल्ला कसाब पुल पर ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक मानपुर चौक से दलीराजा की ओर आ रही थी, वहीं चिखला कसा की ओर से आ रहे दो मोटरसाइकिल सवार सीधे ट्रक में जा घुसे, जिससे बाइक सवार दोनों युवकों को चोटें आई है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में परिवहन संघ भानु प्रतापपुर के चक्का जाम का ऐलान होने के बाद परिवहन संघ और प्रशासन के बीच गुरुवार को सुबह 4 बजे जबरदस्त झड़प हो गई। संघ ने आरोप लगाया कि उनके कई सदस्यों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा मारा पीटा गया है। महासमुंद जिले की कोमाखान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा से मध्य प्रदेश गांजा ले जा रहे 3 आरोपियों को टेमरी नाका के पास घेराबंदी कर जब्त किया गया। शादी का झांसा देकर आरोपी ने पहले अपहरण कर छात्रा से दुष्कर्म किया। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़िता को बहला फुसला कर तेलंगाना ले गया और वहां पीड़िता से दुष्कर्म करता रहा। मामले में कार्रवाई करते हुए पत्थलगांव पुलिस की टीम ने तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले की पिरला गुड़म से पीड़ित किशोरी को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जसपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत लुड़ेंग में आश्रित ग्राम तेंदुपारा में जंगल के समीप चलती हुई एक स्कॉर्पियो वाहन में अचानक आग लग गई। आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जसपुर जिले की बागबहर थाना क्षेत्र में युवती से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर पहली बार शारीरिक संबंध बनाया था, फिर यही कहकर उसने करीब 3 साल तक इसी तरह संबंध बनाया। बाद में दूसरी लड़की शादी करने जा रहा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सेंट्रल एवेन्यू में गुरुवार की रात 10 बजे बाइकर्स की गैंग की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी को सेक्टर 9 अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया जहां उपचार किया जा रहा है। हादसे में मृत युवक का नाम दुर्गेश गोस्वामी बताया जा रहा है। ग्राम पंचायत सेलूद में गुरुवार को मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों ने कम मजदूरी मिलने को लेकर मानिक कचौरी जाने वाले सड़क पर करीब 2 घंटे तक चक्का जाम कर दिया। मजदूरों के आक्रोश को देखते हुए उतई पुलिस और प्रशासनिक अफसरों का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर मजदूर शांत हो पाए। कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में एक एटीएम मशीन से चोरी की कोशिश नाकाम रही। चोरी के लिए आरोपी ने एटीएम को तोड़ डाला। इस दौरान बूथ में अलार्म बजा नहीं, स्थानीय लोगों की सूचना पुलिस मौके पर पहुंची तब हुई। गुरुवार को करंट के संपर्क में आने वाले 8 मवेशियों की मौत हो गई। मामला सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम पैलपार का है। गांव के गौकरण सतनामी के खेत में बिजली का पोल गिरा हुआ था जिसकी तार में करंट था, इसके संपर्क में आने से 8 मवेशी की मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के तुमड़ी बोड़ इलाके के ग्राम दीवान भेड़ी में युवक ने अपनी चचेरी बहन की हत्या कर दी। युवक को मानसिक रूप से बीमार होने की जानकारी ग्रामीणों ने दी थी। हत्या की वजह खर्च के लिए रुपए मांगने पर नहीं देने को बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
राजधानी रायपुर के शांतिनगर स्थित माइक्रोपैथ डायग्नोस्टिक सेंटर के सुपरवाइजर के खिलाफ हेराफेरी करने के आरोप पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सुपरवाइजर सुरेंद्र निराला पर 4,83,000 रुपए की हेराफेरी करने का आरोप है। साल 2019 से मार्च 2022 तक करेक्शन का पैसा भी अकाउंट के पास जमा न कर हेराफेरी करने की बात सामने आई है। पेंडा रोड रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य विभाग की महिला मुख्य कार्यालय अधीक्षक के सीनियर सेक्शन इंजीनियर पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ तपती धूप में कार्यालय के सामने सड़क पर धरने पर बैठ गई। अकेले महिला कर्मचारी पूरे दिन ऐसे ही धूप में बैठी रही। सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी सदन कुमार बनर्जी को सस्ते में जमीन दिलाने का झांसा देकर 95,00,000 की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी सूरज श्रीवास्तव को बिलासपुर की तारबहार पुलिस ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामले में वैदेही मैनेजमेंट के 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवक को गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहने पर आक्रोशित होकर ड्राइवर से विवाद करते हुए उस पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 3 युवकों आयुष वाल्मीकि, हर्ष नाहर और अनुमान गोहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।